हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मनु सिंह और आज हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। हेलो सर, ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 ईयर। और आज हम अपने व्यूअर्स का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में के संदर्भ में कुछ संशोधन हुए हैं जो CRPC में, तो उसके बारे में, क्योंकि CRPC पे ही कमेंट आया है तो हम CRPC को ही लेके चलेंगे, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता देते मध्य प्रदेश के संशोधन के बारे में। ये CRPC जो दंड प्रक्रिया संहिता है जी वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है जी और इसका सभी प्रदेशों में जी कोई इसका मूल रूप नहीं है, अलग कर सकता है, ऐसा कोई संशोधन कानून में नहीं हो सकता। जी CRPC में सहायक रूप से, IPC या CRPC में सहायक रूप से कुछ संशोधन प्रदेश सरकारों द्वारा किया जा सकता है, नोटिफिकेशन के द्वारा। मतलब एक अमेंडमेंट टाइप जी का जी ला हाँ, एक सकते हैं लाभ ना। मतलब सहायक सब्सिडरी जी जी फार्म में हो सकता है, जी सहयोगी कानून बनाया जा सकता है अलग अलग प्रदेशों में। अगर जैसे कहीं कोई सब कोई अपराध है बेलेबल है तो कहीं नॉन बेलेबल है, कहीं कॉग्निजेबल है कहीं नॉन कॉग्निजेबल है, उसको जी इधर उधर सहायक के रूप में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। जी उसको हमारे व्यूअर्स अपने वहाँ अपने यहाँ देख लें वो ज़्यादा बेटर है। जी मूल रूप से उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि CRPC जो है ये पूरे इंडिया में लागू है और जी इसमें प्रदेश सरकारें इसको मूल रूप से संशोधन नहीं कर सकती इसमें कोई हैं, चेंजेस नहीं हो नहीं सकते। सकते हैं। जी नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ छोटे मोटे चेंज ऐसे हो सकते हैं कि उपयोगिता के हिसाब से उसके अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सहायक कोई लॉ बनाया जा सकता है। जी सर, एक क्वेश्चन और आया था कि समझ लीजिए हम जज के सामने उपस्थित होते हैं तो हम किस तरीके का अपना व्यवहार रखें, किस तरीके से उनसे बातचीत करें कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। हम मान लीजिए हम सही आदमी भी हैं और आप कहीं जाएं, चाहे न्यायालय गलत पर हों चाहे समाज में कहीं भी हों, भी। आपको हमेशा शालीनता बरतनी चाहिए। जी जो जो समाज में लोगों का व्यवहार है वही न्यायालय भी पसंद करेगा। जी अगर आप शालीन व्यवहार करते हैं तो न्यायालय को ऐसा आभास भी हो सकता है कि आपने अपराध नहीं किया, आपको नाजायज फंसाया गया है। जी लेकिन अगर आप न्यायालय पर भी उद्दंडता करते हैं तो न्यायालय तो पूरी तरह से आपको अभियुक्त ही मानकर चलेगा, जी या आपका स्वभाव बहुत मायने रखता है। हमेशा सद व्यवहार करने से आदमी हर जगह उसको सफलता मिलती है। आप न्यायालय पर भी जाएं तो शालीनता से व्यवहार करें। मतलब पोलाइट वे जी हमेशा हाँ, एक लें और न्यायालय एक किसी का दुश्मन नहीं होता, वो न्याय करने बैठता है। जी और अगर आप शालीन व्यवहार करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, नुकसान होने कोई चांस नहीं। आदमी कई बार जो है गुस्से में आ जाता है, भावुक हो जाता है। वो नहीं होना मान लीजिए चाहिए, उसकी गलती नहीं है, उसे गुस्सा आ गया तो मतलब आदमी को अपने ना आप तो को न्यायालय अपने तरफ से कुछ कर सकता है। जितना सब साक्ष्य आते हैं न्यायालय उसी ऊपर निस्तारण करता है। सद्भावना से थोड़ा बहुत नाम मात्र फायदा मिल सकता है अगर आपका आचरण अच्छा है, नहीं तो फिर न्यायालय भी जो भी संभावनाएं हैं और घटती जाती हैं। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि न्यायालय पर जाके आदमी को हमेशा शालीन रहना चाहिए, वहाँ कोई उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, उससे उसका नुकसान ही होने के चांस ज़्यादा। मतलब वहां पे पहुंचे तो पोलाइट जी वे जी अपनाया जाए तो वही एक जहाँ तरीका जरूरत हो, है, जहाँ पूछा जाए वहीं जवाब दें, जहां पूछा जाए अनावश्यक ना उसका बोले। जवाब दें, बेमतलब ना जी बोलें और गुस्से में तो जी बिल्कुल जी ना जी आए, जी जिससे उन इंप्रेशन गलत ना जाए। इम्प्रेशन में गलत ना जाए। ओके सर, जी थैंक यू सर, एंड प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चन प्लीज़ आस्क, वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं और जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर नहीं तैयार होता है तो। हालांकि हमारे साथ जो एडवोकेट बैठे हुए हैं उनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपके क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे पर उनके आंसर में कोई गिरावट नहीं आएगी, या उनके पास, मुझे नहीं लगता किसी भी आपके पास कोई ऐसा सवाल होगा जिसका आंसर ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।